हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल मैथ्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी इजी ट्रिक जिसकी मदद से हम किसी भी दो डिजिट नंबर का स्क्वायर विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए, लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इन विदाउट एनी फर्दर एडियो। लेट्स सी हाउ वी डू इट। तो पहला हम एक नंबर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, जिसका हमें स्क्वायर ऑलरेडी पता है। तो लेट्स सी कि क्या हम इसको फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल मेथड है, वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक थ्री ब्लैंक्स। पहले तो तीन ब्लैंक्स बना लो, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, ये जो हमारा फर्स्ट डिजिट है, 13 का फर्स्ट डिजिट क्या है, 1। सो फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास हम क्या रखेंगे, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर, राइट। नाउ थर्ड ब्लैंक को फिल करते हैं, थर्ड ब्लैंक में हम क्या रखेंगे, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर। सो हेयर वील कीप 3 स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 3 स्क्वायर इज 9। नाउ द मिडिल ब्लैंक इज लेफ्ट। अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। सो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 3 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 2, और फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वील गेट द आंसर, ये कितना हो जाएगा, 6। सो दिस 169 हमारे पास क्या है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 13। आया समझ में, इजी है। चलिए एक और देखते हैं। देखो पहला स्टेप वही, फर्स्ट वील मेक 3 ब्लैंक्स, राइट। फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या रखेंगे, पहली डिजिट का स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, और वो कितना होता है, 25, राइट। लास्ट ब्लैंक में क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना होता है, 9। मिडिल ब्लैंक को कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं देन मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना होगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 30। नाउ पे अटेंशन, हियर वी आर गेटिंग टू डिजिट नंबर। अब 30 में हमारे पास 3 एंड 0 दो डिजिट यूज हो रही है एंड वी कैन प्लेस ओनली 1 डिजिट हियर। तो आप देखो उसको हम कैसे करते हैं, 30 का आप 0 तो यहीं पे छोड़ दो, तो जो ये 3 है इसको यहाँ पर कैरी कर लो। कैरी का मतलब क्या होगा, वील एड इट। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद 25 में हम 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 28, और बाकी एज इट इज। सो ये हमारे पास क्या हो गया, 53 का स्क्वायर। आया समझ में। चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 84 का स्क्वायर, राइट। तो इसमें भी पहला तो हमारे पास, जब भी आप किसी भी दो डिजिट का स्क्वायर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली मेक दिस 3 ब्लैंक्स, राइट। फर्स्ट ब्लैंक में फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लेस कर देते हैं, दैट इज 64। लास्ट ब्लैंक में विल कीप द सेकेंड डिजिट स्क्वायर एंड दैट इज 16। नाउ हेयर अगेन वी आर गेटिंग टू डिजिट नंबर, ठीक है। अब इन दोनों ब्लैंक्स में हम सिंगल डिजिट नंबर प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर 16 आ गया, तो वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, 16 का 6 तो एज इट इज रख देंगे, ठीक है। एंड जो ये 1 है ये नेक्स्ट नंबर पे कैरी। तो देखो मिडिल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सो हेयर विल गेट 8 इंटू 4 इंटू 2, सो इट बिकम्स अगेन टू डिजिट नंबर 64। सो 64 पहले हम यहाँ रख देते हैं और उसमें हम 1 को ऐड करेंगे, तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास, 65। 6, 4, 6 और 65। बट ये 65 तो अभी भी टू डिजिट नंबर है एंड वी कैन कीप ओनली सिंगल डिजिट नंबर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि जिससे आपको ये समझ आ जाए अच्छे से, दैट जब भी टू डिजिट नंबर आता है, डो नॉट वरी, उसका जो हमारे पास यूनिट डिजिट है वो वहीं पे छोड़ दो और आगे की डिजिट को कैरी कर लो। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप एंड विल गेट द आंसर, 64 प्लस 6 कितना होता है, 70, एंड दिस 5, 6 विल बी रिटन एज इट इज एंड दिस इज द आंसर। सो 7056 क्या हुआ हमारे पास, 84 का स्क्वायर। है ना इजी, बहुत ही आसान था। अभी तो हमने निकाला टू डिजिट का स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास कोई भी आप दो डिजिट का नंबर दे दो, वी कैन सॉल्व इट इन सेकेंड। बट क्या हम थ्री डिजिट का स्क्वायर भी इतनी क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं? सो आई विल से यस, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू कैलकुलेट क्विकली
द स्क्वायर ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर। सो इफ यू वॉन्ट टू नो कि उसकी ट्रिक क्या है, आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। ऑल राइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।